आजठ संसदर बजेट अधिवेशन आ किछ समय पर अधिवेशन आरंभ हेबो। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभिभाषण रु आरंभ हेबो बजेट अधिवेशन। आपण संसद भवन सीधा सड़क चित्र देखुंत राष्ट्रपति भवन रु बाहर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां से निकल कर पहुंचेंगी संसद भवन, जहां पर उनकी अगवानी करेंगे राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के पीछे आप देख सकते हैं सैन्य सचिव और सैन्य उप सचिव भी। धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन से बाहर आई, अब उन्हें सैल्यूट दिया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नए संसद भवन पहुंचेंगी इस ऐतिहासिक बग्गी में। और साथ ही उनके प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स यानी घुड़सवार अंगरक्षक। ऐतिहासिक पल ये, राष्ट्रपति जो कि देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, साथ ही पहली नागरिक देश की, उपस्थान कर रही हैं नए संसद भवन की तरफ अभिभाषण के लिए। राष्ट्रपति का कारवा अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से अब आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आप देख सकते हैं लोकसभा के भीतर और इस सेंगोल के साथ वो बाहर आते हुए राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। ये सांस्कृतिक धरोहर हमारी लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक सेंगोल, और इस सेंगोल के साथ लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा से बाहर आते हुए, जैसा कि हम पहले आपको दिखा रहे थे कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से निकल चुकी हैं संसद भवन पहुंचने के लिए, और लोकसभा अध्यक्ष उनकी अगवानी के लिए पहुंच रहे हैं सेंगोल के साथ।
एक नई परंपरा, एक प्राचीन विरासत। हम आपको बता दें कि पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा को समवेत रूप से पहली बार इस संसद के नए भवन में आज एड्रेस करने वाली हैं। उनका अभिभाषण होगा। संसद के नए भवन में यह पहला अभिभाषण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उच्च सदन और निचले सदन दोनों ही सदनों के सभी सदस्यों को आज संबोधित करेंगी और बाकायदा प्रारंभ हो जाएगा बजट सत्र। आयरन गेट एक मुख्य पहचान में से एक राष्ट्रपति भवन की, और उससे ये काफिला धीरे धीरे बाहर आते हुए। राष्ट्रपति भवन से आगे रायसेना हिल्स की तरफ बढ़ता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये काफिला, जिसमें आगे चल रहे हैं राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षक, और रुक लेते हैं, हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, हाँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंचती हुई विशाल कारवां आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन रो बाहरी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान समय संसद भवन अभिमुखे जाउछंती। सबडे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मध्य गणतंत्र प्रतीक सेनगोल सहित राष्ट्रपति को स्वागत करिवे। उभय लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद को संबोधित करिवे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आउ राष्ट्रपति अभिभाषण रु ही आरंभ हेबो संसद बजेट अधिवेशन। आ किछ समय पर अधिवेशन आरंभ हेबो। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन रु सर्वोच्च कमांडर के अंगरक्षक दल सुरक्षा कर्मी को राष्ट्रपति कड़ा सुरक्षा बल भितरे वर्तमान समय संसद भवन परिसर को जाउछंती। संसद भवन परिसर रे लोकसभा सभापति ओम बिरला अपेक्षा करी रहिछंती। पारंपरिक गणतंत्र प्रतीक सेनगोल सहित राष्ट्रपति को संसद भवन भीतर को स्वागत करिवे। और आज एक नई परंपरा की नींव भी राष्ट्रपति सीधासलख चित्र आपण देखुछंती। राष्ट्रपति भवन रो संसद भवन अभिमुखे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति अभिभाषण रु ही संसद बजेट अधिवेशन आरंभ हेबो। एवं आसंता काली को रहिछे समस्त अपेक्षा जेतेबेले गृह रे अंतरण बजेट आगत करिवे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। निर्वाचनी वर्ष हेउथबारु चलित बजेट रे कोन रहिछि किछि खास घोषणा करिवे कि केंद्र सरकार तारि उपरे रहिछि प्रतिटि भारतीयंकर नजर जे एथर बजेट रे कोन घोषणा करा जाउछि। अंतरीण बजेट आगत करिवे केंद्र अर्थमंत्री कारण निर्वाचनी वर्ष जेहेतु रहिछि तेणुकरि आसंता जुलाई मासरे नुआ सरकार गठन हेबा परे पूर्णांग बजेट उपस्थापन करा जिबो। तेणुकरि आसंता काली गृह रे अंतरीण बजेट आगत करिवे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। किंतु आजिठु संसदर बजेट अधिवेशन आरंभ होउछि। महामहिम राष्ट्रपतिंकर अभिभाषण रु ही आरंभ हेबो बजेट अधिवेशन। सेथिपाई राष्ट्रपति भवन रु बाहरी सारिछंती महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान समय संसद अभिमुखे जाउछंती। संसद बाहरे अपेक्षा करिछंती लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला। गणतंत्र प्रतीक सेनगोल सहित राष्ट्रपति को स्वागत करिवे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से संसद भवन परिसर की ओर प्रस्थान कर रही हैं। हमारे प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्य और आधुनिक परंपरा का समावेश आज इस बजट सत्र में देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति का कारवां धीरे धीरे संसद भवन की ओर बढ़ता हुआ और कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति का ये कारवां पहुंचने वाला है संसद भवन, और संसद भवन में उनकी अगवानी होगी। और जैसा कि कुछ देर पूर्व हमने दिखाए थे सजीव चित्र, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्राचीन और वैभवशाली सेंगोल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के लिए
संसद भवन के मुहाने पर पहुंच रहे थे और इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कारवां की, जो कि पहुंच रहा है राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन। संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। धीरे धीरे ये काफिला बढ़ रहा है संसद भवन की ओर। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आज से बजट सत्र का प्रारंभ होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण से और कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। और राष्ट्रपति का ये कारवां प्रवेश करता हुआ धीरे धीरे उस मार्ग की ओर जहां मुहाने पर है संसद भवन, विशाल कारवां धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ संसद भवन की ओर, और बग्गी में बैठी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के नए भवन में दोनों सदनों के माननीय सांसदों को एक साथ आज संबोधित करने वाली है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। विहंगम दृश्य, जैसा कि शालिनी बता रही थी कि दिल्ली का मौसम बहुत ठंडा है, धुंध है, और उस धुंध और ठंड को चीरता हुआ यह कार वहां पहुंचता हुआ संसद भवन। संसद भवन यानी कि संसद के नए भवन में आज समवेत रूप से दोनों सदनों के माननीय सांसदों को पहली बार राष्ट्रपति आज संबोधित करेंगी। उनके अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। कुछ क्षण में राष्ट्रपति का यह कारवां पहुंचने वाला है संसद भवन के भीतर। जी हाँ, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। बजट पेश होने से पहले एक आर्थिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वे नहीं बल्कि आर्थिक रिपोर्ट भी पेश की गई है, और जिसमें बताया गया है कि 3 साल के भीतर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। एक सुनहरी तस्वीर भारत की अर्थव्यवस्था की सामने आती हुई, और ये तस्वीर कितनी विहंगम होने वाली है आने वाले समय में, उसका प्रतिबिंब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कल जो अंतरिम बजट पेश किया जाएगा उसमें परिलक्षित होगा। और राष्ट्रपति का कारवां धीरे धीरे बढ़ता हुआ संसद भवन की ओर, ये तस्वीरें, और आप देख सकते हैं संसद भवन के भीतर प्रवेश करता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कारवां। कुछ क्षण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन के प्रवेश द्वार पर होंगी। ये आवाजें बढ़ती हुई घोड़ों की ताप की,
और घोड़ों की टाप के बीच ये कारवां पहुंच गया है संसद भवन के अहाते में। गज द्वार पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी करेंगे। आप देख रहे हैं तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो संसद भवन परिसर में पहुंच चुका है। और इस अगवानी के समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास रहेगा प्राचीन और भारतीय लोकतांत्रिक वैभव का प्रतीक सेंगो। संसद भवन की नई इमारत का वैभव नजर आता हुआ और संसद भवन की नई इमारत में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को एक साथ पहली बार संबोधित करने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। खबर एबे एबे प्रायोजक लालचंद ज्वेलर्स ट्रस्टेड ब्रांड।